नमस्कार, आज हम लोग समझेंगे गर्त यानी ट्रेंच के बारे में। गर्त का मतलब होता है गहरा, ये महासागर में पाए जाते हैं। देखिए सबसे डेप्थ पॉइंट जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं गर्त। अब महासागर तो बहुत बड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है कहीं पे ज्यादा गहरा होगा कहीं पे कम होगा, तो ऐसे बहुत गहराई है उसी की अलग अलग नाम है, उसी को हम लोग बोलते हैं गर्त। और ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछता है, नाम दे देगा, कहेगा आपसे 21 महासागर में पाया जाता है। तो ये हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे कि किस किस नाम से है, जो पूरा जो जो पेपर में पूछता है पूरा डिटेल में बता देंगे, इससे बाहर से पेपर में आपको पूछेगा भी नहीं। देखिए इस पूरे पृथ्वी पे 7 महाद्वीप और 5 महासागर है। जो 7 महाद्वीप हैं वो एक यूरोप महाद्वीप आ जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा, उसके बाद से ये एशिया महाद्वीप आ जाएगा, ये नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, ये साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, नीचे आ जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप, यहाँ पे सब बर्फ पाया जाता है। अब 5 महासागर है, देखिए प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर नीचे है, आर्कटिक महासागर ऊपर है, हिंद महासागर जो इंडिया है इंडिया के नीचे आ जाता है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर जो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका और एशिया के बीच में पाया जाता है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर इसके इधर में पाया जाता है। तो आज जो हम समझेंगे वो हम समझेंगे प्रशांत महासागर के, प्रशांत महासागर में जो गर्त है, ये कहीं हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसको हम अलग अलग वीडियो में आपको अच्छे से बता पाएंगे। देखिए प्रशांत महासागर के बारे में आज हम समझेंगे, इसके कुछ पहले फैक्ट हम समझ लेते हैं प्रशांत महासागर के। देखिए पूरे पृथ्वी पे 70.8% पानी है, उसके बाद से 29.2% भूमि है, ये तो सबको पता है। अब यानी लगभग 71% पूरे पृथ्वी पर पानी है, 29% आ जाता है आपका भूमि। उसी भूमि पे पर्वत भी है, पहाड़ भी है, झील भी है, पठार सा भी मैदानी एरिया आ जाता है, नदी झील जो छोटे सागर आ जाते हैं वो भी इसी में आ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं मिला जुला के जो जिसपे जनसंख्या रहते हैं वो 8% पे ही भूमि पे रहते हैं जनसंख्या। पहले हम समझेंगे प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर का जो एरिया है काफी बड़ा है, 16,53,84,000 किलोमीटर स्क्वायर में है, किलोमीटर स्क्वायर में, यानी 16,53,84,000 किलोमीटर स्क्वायर में है, यानी पूरे महासागर में सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ये अटलांटिक महासागर जो है ये इसका जो स्क्वायर में है ये 8 करोड़ स्क्वायर में है, तो आप समझ सकते हैं ये सबसे यानी अटलांटिक महासागर से भी दुगना प्रशांत महासागर है। तो इसी के बारे में हम समझते हैं। इसका देखिए जो पूर्वी एशिया आता है और उसके बाद से नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वो बीचों बीच यही पाया जाता है। यहाँ पे ये जो देखिए हम लाइन खींच रहे हैं यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं रिंग या फायर, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप भी आता है, रिंग या फायर या रिंग बले बोला जाता है। अब देखिए इसमें गहराई आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता, पहले क्वेश्चन पूछता था सबसे गहरी गर्त, तो मेरियाना गर्त है, 11,033 मीटर की गहराई है, लेकिन क्वेश्चन अब पूछता है मेरियाना गर्त जो है 21 महासागर में पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे ये प्रशांत महासागर में है मेरियाना, या इसी का इंग्लिश में नाम है चैलेंजर गर्त। यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा आपका पहले नंबर पे। दूसरा नंबर पे आ जाता है टोंगा गर्त। देखिए मेरियाना के नीचे ही है टोंगा गर्त, इसका 10,835 मीटर की गहरा है, समझ सकते हैं 10,835 मीटर, मतलब मैक्सिमम में 10 किलोमीटर अंदर गहरा है, इतना गहराई होता है। मेरियाना ट्रेंच जो है इसका 11 किलोमीटर का नीचे गहरा है, इतनी गहराई होता है, महासागर बहुत बड़ा होता है, इसका कोई लिमिट नहीं है। देखिए दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका टोंगा गर्त, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा कुरील गर्त या कम चटका गर्त, इसी को बोलते हैं, ध्यान रखेंगे कुरील गर्त या कम चटका गर्त, ये जो अकोस्टक सागर है उसी के बगल में है कुरील गर्त या कम चटका गर्त, और इसी के ऊपर यहाँ पे आ जाता है येलोसियन द्वीप, एक गर्त नहीं है, छोटा मोटा है, मतलब कम गहरा गर्त है, येलोसियन गर्त यहाँ पे, येलोसियन गर्त यहाँ पे। अब देखिए इसके नीचे आ जाता है जापान, जापान में काफी उसके नाम पे गर्त है, एक आ जाता है आपका जापान गर्त, उसके बाद से यहीं पे आ जाता है एक इजू गर्त, ये सब पॉइंट आप
बहुत ही ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछता है इजु गर्त किस महासागर में है, ये कहा जाता है आपका बेनिन गर्त, ये भी प्रशांत महासागर में है। ये तीनों जो है ये जापान का ही मतलब इसके हिस्से में आता है, जापान के हिस्से में आ जाता है इजु गर्त बेनिन गर्त। देखिए एक गर्त और काफी इंपॉर्टेंट है पलाव गर्त, यहाँ पे आ जाता है ये फिलीपींस के किनारे पा जाता है पलाव गर्त। इसका जो गहराई है ये 8130 मीटर की गहराई है पलाव गर्त का, ये फिलीपींस के किनारे है पलाव गर्त। देखिए उसके बाद से एक तो पहला नंबर पे मेरी यहाँ ट्रेंच हो गया, टोंगा गर्त दूसरे नंबर पे हो गया, कुरिल गर्त जो है वो तीसरे नंबर पे है, और चौथा जो है चौथा आ जाएगा आप मिंडनाओ गर्त। देखिए ये भी फिलीपींस के किनारे है इसीलिए इसको फिलीपींस गर्त भी बोलते हैं। ये 10,475 मीटर का गहरा है मिंडनाओ गर्त या फिलीपींस गर्त। इसी के नीचे जस्ट पाया जाता है पलाव गर्त, ये भी फिलीपींस के ही अधिकार में आ जाता है। उसके बाद से पांचवें नंबर पे आ जाता है कर्मा डेक गर्त, टोंगा के नीचे आ जाता है और ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बगल में आ जाता है राइट साइड में, और न्यूजीलैंड के भी इधर आ जाता है कर्मा डेक गर्त, ये पांचवें नंबर पे आ जाता है कर्मा डेक गर्त। तो आप समझ सकते हैं, आप सीरियल वाइज भी लगा लेंगे बड़े आराम से, मेरियाना ट्रेंच पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे आ जाएगा टोंगा गर्त, तीसरे नंबर पे आ जाएगा कुरिल या कमचटका गर्त, और चौथा नंबर पे आ जाएगा मिंडनाओ या फिलीपींस गर्त, और पांचवें नंबर पे आएगा कर्मा डेक गर्त। और बाकी याद रखेंगे कि एलोसियन गर्त आ जाएगा, एक जापान गर्त, इजु गर्त, बेनिन गर्त, एक पलाव गर्त, ये क्वेश्चन पूछा है दो कई बार पूछ चुका है पलाव गर्त भी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रशांत महासागर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट गर्त हैं। अगली बार हम अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के बारे में बता देंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट गर्त है, अक्सर ये पेपर में पूछते रहते हैं, ये आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।